अपने पिता की मौत के दोषियों को सजा दिए जाने की मांग पर परिजनों के साथ 3 साल की बेटी भी बैठी धरने पर। 22 मई को कोरोना मरीज इंजीनियर राहुल शर्मा को जयपुर ले जाते समय ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौत के मामले में दोषियों को सजा दिलवाने व इस मामले में प्रशासन से उचित न्याय दिलवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मृतक के परिजन सहित मृतक राहुल शर्मा की 3 साल की बेटी भी कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे। मृतक राहुल शर्मा के चाचा मनोज शर्मा ने बताया कि 22 मई को अलवर के इंजीनियर राहुल शर्मा की अस्पताल व प्रशासन व डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते जयपुर ले जाते समय ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी, जिसकी मौत हुए 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। मृतक राहुल शर्मा को कोरोना होने की वजह से निजी अस्पताल सानिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 14 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद उसे सानिया हॉस्पिटल में गंभीर हालत होने का हवाला देते हुए राहुल को दिल्ली या जयपुर ले जाने के लिए कहा। उसके बाद राहुल के परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय अलवर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को 19.50 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए पर बुक किया और राहुल को जयपुर ले जाने लगे। इसी दौरान दौसा के समीप एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से राहुल की मौत हो गई थी। प्रशासन द्वारा आईएएस स्तर के प्रशिक्षु अधिकारी के नेतृत्व में जांच भी कराई गई। जांच में दोषी पाए लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। परिजनों की मांग है कि मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इस मामले में राहुल के परिजनों सहित उसकी 3 साल की बेटी भी धरने पर बैठी है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। प्रशासन की लापरवाही से शहर का एक होनहार लड़का इंजीनियर राहुल शर्मा की ऑक्सीजन की कमी के कारण जिस प्रशासन ने उसकी हत्या कर दी और आज 20 से 25 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सब कुछ साफ दिख रहा है कि हमने एम्बुलेंस वेंटिलेटर की एम्बुलेंस 19.50 रुपए किलोमीटर के हिसाब से सरकारी सामान्य चिकित्सालय की एम्बुलेंस को हायर किया, 14 दिन सानिया हॉस्पिटल में राहुल शर्मा का इलाज किया डॉक्टर तैयब हुसैन हत्यारा, क्योंकि 14 दिन जब उससे इलाज नहीं हो रहा, 4 दिन 6 दिन में तो वो हमको ये कह देता कि मेरे से इलाज नहीं हो रहा, आप इनको दिल्ली या जयपुर ले जाइए। 14 दिन बाद उसकी बीमारी को कम करने की जगह ज़्यादा बढ़ा के शाम को 7:30 बजे वो हमसे ये कहता है कि आप इसको दिल्ली या जयपुर ले जाओ। मैं मेरे हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होते हुए नहीं देख सकता। उसके बाद हमने 19.50 रुपए किलोमीटर में एम्बुलेंस हायर की, वो एम्बुलेंस जब हमने हायर की कि हमको जयपुर जाना है, तो उसमें जयपुर जाने में 2.5 से 3 घंटा एम्बुलेंस को लगता है और उसमें 2 सिलेंडर ऑक्सीजन के थे, तो सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन ने हत्या की है कि वो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो दोसा के निकट ख़त्म होने के कारण उसकी राहुल शर्मा की मृत्यु हो। इसमें प्रशासन की लापरवाही है, सानिया हॉस्पिटल की लापरवाही है, मेन तो प्रशासन की लापरवाही है। जो प्रशासन आज 25 दिन होने के बावजूद भी अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी तरह की कोई सजा नहीं हुई। हमारे बेटा जो 32 साल की जिसकी 6 वर्ष पूर्व शादी हुई है, 3 वर्ष की उसके बच्ची है, वो हमको तो ये चाहिए, हमको तो दोषियों को सजा मिले। टीम गठित हुई थी, हम कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने हमको गर्म पानी और चाय पिला के ये कहा था कि मेरी सिंपैथी आपके साथ है, तो हमने कहा साहब आपकी सिंपैथी हमारे साथ है, आप जिले के मालिक हैं, आप उनको दोषियों को सजा दीजिए। क्योंकि सजा देने का काम मेरा नहीं है, सजा देने का काम सरकार का है। मैंने उच्च स्तरीय जाँच करवाई है, ये प्रकरण होते रहते हैं, मेरी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन मैंने भी एक आईएएस से इसकी जांच करवाई है और जांच निष्पक्ष जांच करवाई है, उच्च स्तरीय जांच करवाई है और उसकी जांच को मैंने जयपुर भेज दिया। तो हमने कहा साहब आपने किन किन को दोषी माना है, आप हमको उसकी नकल दे दीजिए। लेकिन नकल देने का मेरा काम नहीं है, नकल जो विभाग मेरे से नकल मांगेगा मैं उनको नकल दे सकता हूँ, आपको नकल नहीं दूंगा।